इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला इन दिनों अपनी वेब सीरीज हीरा मंदी द डायमंड बाजार की सफलता का आनंद ले रही है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी ये सीरीज दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। अभिनेत्री ने अपनी निजी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है। मनीषा ने हाल ही में अपनी कैंसर से लड़ाई के बारे में बात की है। उन्होंने माँ बनने का सुख नहीं मिल पाने पर भी बात की है। अभिनेत्री ने कहा कि अब उन्होंने इसे अपना लिया है कि वो मां नहीं बन पाएंगी, जिससे उन्हें शांति मिलती है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनीषा कोइराला ने हाल ही में एक बातचीत में बताया कि कैंसर से लड़ने के बाद मातृत्व को अपनाना कठिन लग रहा था। उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा था। अभिनेत्री ने बताया, मेरे जीवन में कहीं ना कहीं अधूरी चीजें हैं। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। ऐसे बहुत से सपने हैं जिनके बारे में आपको एहसास होता है कि वे पूरे नहीं होंगे और आप उससे समझौता कर लेते हैं। मातृत्व उनमें से एक है। अभिनेत्री ने आगे बताया, डिम्ब ग्रंथि का कैंसर होना और माँ न बन पाना बहुत कठिन था, मगर मैंने इसके साथ शांति बना ली थी। मैंने खुद से समझौता कर लिया था। मैंने खुद से कहा, जो बीत गया वो अतीत में है, अब मेरे पास जो है उसमें मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ करना है। मनीषा ने आगे कहा, मैंने गोद लेने के बारे में बहुत सोचा। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाती हूँ, मुझे चिंता भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए काफी सोचने के बाद मैंने इससे समझौता कर लिया। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास जो भी है उनके साथ मुझे खुश रहना होगा। मेरे पास बूढ़े माता पिता है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी आँखों का तारा हूँ। मैं अब अक्सर उनके साथ समय बिताने के लिए अपने घर काठमांडू जाती रहती हूँ। हीरा मंदी के बारे में बात करें तो इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मिल सहगल, अदिति राव हैदरी, ताहा शाह, बदू शाह, शेखर सुमन और अध्ययन सुमन जैसे कई सितारे अहम भूमिका में नजर आए हैं। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।